हम सारे चीजें निकाल के अपना जो अंग प्रदर्शन आप कटी बाहर देख तो कुछ दिख रहा है। सुबह है वो हो रही है बिहार में और हमारी जो गुड नाइट होने वाली है वो होगी दिल्ली में। ये हमारी आज रात की फ्लाइट है 9:20। ये अपना मुर्मु मुसल्लम दोपहर का खाना मटन चिकन रोस्टेड मुर्मु मुसल्लम चावल सैलेड। आ जाओ कौन पहले आ रहा है? 3-4 आ गए पहले। कहाँ ले जा रहा भैया चराने? निकल के कुछ दूर चलने के बाद हम आए हैं महाराजा कॉम्प्लेक्स। इसको कुछ शॉपिंग करना है बच्चों के कपड़े तरुण की बेबी के लिए, तो वही हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई बच्चे का दुकान मिल जाए। पटना वन प्लाजा पहले वाले गए वहाँ मिला नहीं हमें बच्चों वाला कुछ। ओ कहाँ गया विजय? इसी में आ जा। कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा चाहिए, सारे हार्ड है। विशाल मेगा मार्ट का हाल देखो कितना लड़ रहा है सामने वो लोग भाई। बिलिंग काउंटर सारे के सारे फुल है। भीड़ संडे की वजह से, संडे है ना तो इतना गंदा भीड़ है, इतना गंदा रस है और सब लोगों को शॉपिंग करना है इतना। अगर हम लाइन में लगे आधे घंटे तो लगेंगे बस बिलिंग काउंटर तक पहुँचने में। ना गर्मी की वजह से कितने पसीने निकल रहे हैं सारे में, तो यही अच्छा लग रहा है। हाँ तो सही है, तो ले ले इतने सारे हमने पसंद किया है और इसमें जो जो लेना होगा वही रखेंगे। ये जो बंडी की तरह है और ये सही है, ये बताइए इसका कैसा लग रहा है? ये भी सही है, सही है। कंप्लीट जंगलर के हमने शॉपिंग करवा लिया, बिलिंग करवा लिया, कपड़े ले लिया, हम निकल रहे हैं। होटल जाएंगे फिर से और जल्दी से तैयार होंगे और फिर निकल जाएंगे। 6:10 होगा, 7 एनी हाउ हमें निकलना है। ऑल सेट टू गो बैक टू दिल्ली। चलो चल रहे तू भी चल दोनों भाई। सुनिए दुल्हा साहब, दुल्हा साहब देख लीजिए इधर, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। शादी बीत गई आपकी, आज रिसेप्शन है, आप आराम से चिल आउट कीजिए, फिर दिल्ली आइए, फिर मिलते हैं ठीक? बिना मिले जाओगे तो जाओ। हम मिल लिए, हम प्रणाम कर लिए, बाकी हम फोन पे मैसेज कर देंगे, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बोल दिए कौशल करते हुए सोया हुआ है रूम में। ठीक है बाय, दिल्ली में मिलते हैं। बाय 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 बाय। क्या मस्त लग रहा है मंदिर पूरा सजा सजा। नवेदम का लड्डू लेंगे अपना फेमस और फिर चलेंगे दिल्ली। नवेदम तिरुपति के बाद देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला लड्डू नवेदम। तो कुछ फील नहीं हो रहा होगा? हमको फील हो रहा है यार, मतलब जब भी मैं आता हूँ ना, 2-4 दिन अगर दो दिन रह के फिर अगर दिल्ली जाऊँगा ना, जाने का मन नहीं करता, मन करता यही रह जाऊँ, बट मजबूरी है इस वजह से जाना पड़ा, नहीं तो कौन छोड़ेगा इतना अच्छा अपना घर संसार। जी आ गए आ गए। इंटरनेशनल टेम्पो स्टैंड ऑफ पटना, जो ये रोड पे मिट्टी दिख रहे हैं इससे अच्छी रोड है हमारी बेली रोड की जिससे हम लोग आए हैं, और ये एयरपोर्ट का रोड है। पता नहीं ये कब तक इधर बनेगा, कंस्ट्रक्शन हो रहा तब जाके थोड़ा एयरपोर्ट सही लगेगा, नहीं तो जैसा का तैसा बना पड़ा है, पुराना वैसा ही है। कंटिन्यू नम कौशल कुमार विजय सकनर 8A में तो मिल गया। 8A तो हो गया 8B, ये तो सही है। मैं करवा लूँगा होगा तब तो देखा सारे क्रॉस है ही नहीं, कैसे करवाता हूँ। चल पहली बार जा रहा हूँ। रोने लगना आंटी प्लीज, आंटी आंटी प्लीज। रात में क्या दिखेगा? तू तो दिखेगा नहीं बेटा, क्या देखोगे आप अंधेरे में? विंडो सीट पे क्या देखने को मिलेगा? ना पास हमारे काहे शर्माए। आ जा आ गया आ गया आ गया। लड्डू नहीं जाएगा, सुरक्षा जांच चलो करवा ही लेते हैं, अंदर ही बैठेंगे तब तक, और भूख लगेगी, इतना नवेदम का लड्डू है यही खा के पानी पिएंगे। सारे चीजें निकाल के अपना जो अंग प्रदर्शन आप करेंगे, अंग प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सारे कपड़े निकाल दो, तो मिठाई रख देता हूँ अपना। सिक्योरिटी चेक भी डन हो गया, हम फिर से जो कपड़े उतारे थे कपड़े सब पहन लिए हम। मैं भी च्यूटी भी, च्यूटी का तो पूरा बैग खाली कर दिया था आपने, इसमें इतना लैपटॉप और चार्जर भर रखा था पूरा, हमने तो कुछ खाली नहीं किया, बस हमने जो पहने थे ये सब उतार लिया। लैपटॉप चार्जर अब लगी है पानी प्यास और भूख,
जो कि बहुत गलत बात है। यहाँ पे खाना मतलब बहुत महंगा भाई। एक वेज बिरयानी एक पानी बोतल कर लो। हाँ एक वेज बिरयानी पानी बोतल। इसमें से अगर सोना हो तो आराम से तू जाके अंदर सो सकता है, ठीक है, आराम से जाके अंदर सो सकता है तू। गंदा लगता है यार वेट करना, और हम कुछ एक घंटा और हम एक घंटे से वेट कर रहे हैं और अभी आधे घंटे और वेट करने हैं, और ये जो सीन, हम जल्दी आ गए थे एयरपोर्ट इस वजह से, क्योंकि अगर हम वहाँ रुकते होटल पे तो हमें आज रोक लिया गया होता, हमारी फ्लाइट छूट जाती और कैंसिल करने तक का प्लान हो गया था कि इसकी फ्लाइट कैंसिल करवा देते हैं। इस चक्कर में हम वहाँ से भागे जल्दी और यहाँ आके बैठे हैं, और जो वेट कर रहे हैं, हम कुछ करने को है नहीं। हम इस ये मैं इसको एयरपोर्ट बोलता हूँ, इसको ऑटो स्टैंड बोलता है। ऑटो स्टैंड यार अपने बिहार का है यार, तो भाई फीलिंग प्राउड बिहारी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। थैंक यू, बाय बाय पटना, बाय बाय बिहार, बहुत याद आओगे तुम। तू ही जा, तू ही कप्तान साहब इसमें बैठे हैं, कैप्टन साहब बैठ गए। 5, 6, 7 आ गए बेटा। खाली है भाई, कोई नहीं बेटा, अपना ही है खाली। सीट मुझे मिला था क्योंकि मैं लक्की बंदा था, उन्होंने हड़प लिया जबरदस्ती, आगे आके बैठ गया। ना इंसान ही है ये, भाई मेरा ही था वो। भाई किसको मिला था वो भी मेरे पास प्रूफ है, वो भी 8A मेरी सीट है, 8A जो इसका 8B था, 8B है। बाहर देख तो कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को हाय हेलो करते चलियो तो कोई दिखे तो ठीक है। थैंक यू इंडिगो, पहुंचा तो तुम दिए हो। चल पर बस में सीट लूट ले भाई जल्दी, पीछे वाला यहाँ बैगेज बेल्ट 7 to 10 नंबर पे अपना बैगेज आएगा। प्लेन से उतरने के बाद ये जो बैगेज का वेट जो करना पड़ता है ना, बहुत तो पता नहीं भाई साहब कितना टाइम लगाते हैं ये लोग बैगेज लाने में। चलो आना शुरू हो रखा है, जल्दी हो जाएगा। लौंडा कहाँ गया अपना? कलरफुल बाथरूम बनाना है पूरा, रेस्ट रूम पूरा कलरफुल है। बेल्ट पर बैठना मना है, बैठ भी कौन रहा है इस बेल्ट पे? नहीं आया। तुझको पुकारे मेरा प्यार, इरिटेटिंग वाला काम कर रहे हैं हम लोग। बेल्ट पे बैठने का मना नहीं है भाई, वो जो तुम्हारे बैग का हम वेट कर रहे हैं। करो करो, लास्ट मेरा बैग ही रहेगा। इसका जो बैड लग है ना बहुत अच्छा है, लोगों का गुड लक बहुत अच्छा होता है, इसका बैड लक बहुत अच्छा है, हर चीज में इसी फंसता बेचारा। देखो बेल्ट भी बंद हो गए और इतने लोग अभी अपने अपने लगेज का वेट कर रहे हैं, और हम तो कर ही रहे हैं। तुम्हारा जो बैठने की वजह से ना सारे लोग खड़े हैं अभी तक। तुम अगर इस फ्लाइट में नहीं होता ना तो कब का सबका बैगेज मिल गया होता। आ गया आ गया आ गया, उठाओ इसको, उठाओ 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 उठाओ, चल जल्दी निकल। दोनों आ गया। दोनों आ गए, अब करें कैब और पहुंचेंगे रूम। और यहाँ पे पटना से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा ठंड है। लकली मेट्रो अभी ओपन है तो हम ले रहे हैं मेट्रो, कैब वाले ले रहे हैं 1000 रुपये, उससे बेटर है मेट्रो से चलते हैं, पैसे सेव हो जाएंगे, बचेंगे तो बहुत सारे। मेट्रो पे बस वहाँ एक भैया खड़े हैं, दो लोग, तीन लोग
और मी एंड माई सेल्फ चार लोग बस, और जिधर की मेट्रो आएगी उधर चलना है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बचाने पैसे, और पैसे इतने मांग रहे थे वो लोग, 1000 रुपये 800 900, कैब भी बुक कर रहे हैं तो 850 रुपये करीब पड़ रहा, उतने पैसे दे के 18-20 किलोमीटर जाना, ये मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो ये मेट्रो पकड़ेंगे कहीं भी एयरपोर्ट व एरिया से बाहर निकल के, कोई भी मेट्रो छोड़ देंगे, और वहाँ से जब हम कैब करेंगे ना तो बहुत कम से कम हाफ प्राइस तो हो जानी पूरे, अगर 800 है तो 400 रुपये लगेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर 50 रुपये लगा के अगर हमारे 400 रुपये बच रहे तो ये बुद्धिमानी वाला काम है, आइडिया। पिंक लाइन खुल जा, सिम खुल जा, खुल इस पर बैठ ले, कृपया यहाँ ना बैठे, यही बैठेंगे भाई, थक दिए इसको। खुल जा सिम सिम, चलो भैया ओटीपी बता दे। ओ